सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। और इधर देखो सबका बाइक लगा हुआ है, ठीक है। तो अपनी भी बीस्ट को पॉलिश कर दिए, बट इसका इंजन में साउंड उठ गया, कोई बात नहीं, चाबी निकाल लेते हैं। गाइस बाइक रुक गया है, ठीक है, बंद हो गया है, क्योंकि इसका क्या इंजन में एक सामान होता है जो कि कट गया, इसके कारण फ्यूल पास नहीं हो रहा है, तो बाइक का वैसे ही रह गया, इवेंट भी ज्वाइन नहीं कर पाया मैं। अब ये तो वेस्ट बंगाल में ही बनेगा, इसको हम लोग देख रहे हो FSR भी ले जा रहे हैं, क्या बोलूँ गाइस, ऐसा समय पे धोखा मिला है ना, पूरा मूड ऑफ हो गया यार, पूरा इवेंट का मूड किरकिरा हो गया। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन गाइज। तो कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। और आज गाइज हम लोग जा रहे हैं धनबाद, ठीक है। तो आज है डेट आपका 30 है, तो 1 तारीख को इवेंट है झारखंड मोटो फेस्ट जो कि हो रहा है झारखंड में, ठीक है। और उसके लिए ही हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग 2 दिन पहले निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे फ्रेंड लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों के साथ इन्जॉय करेंगे। फिर कल रेवेन्यू प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग को रुकना है, उसके बाद परसों इवेंट है। और अभी हम लोग के साथ है, देखो पीछे ऋतिक है, पीछे शुभम है, ठीक है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं धनबाद के लिए, तो चलो ब्लॉग में बने रहना और एंड तक देखना, और काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग बनेगा गाइस, पूरा इवेंट तक का ब्लॉग आएगा। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोग की तरफ से ब्लॉग में मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब ब्लॉग कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि अब सपोर्ट मिल रहा है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो फाइनली गाइज, तो अभी शुभम को भी बुला लिया था मैंने, ये भी जा रहा है, तो हम तीनों हो गए, और सुखवीर और सप्ती कल आएगा। तो देखो सबको यहाँ पे हम लोग रुके थे शुभम के लिए ही, क्योंकि शुभम को थोड़ा HD कार्ड ख़रीदना था। तो चलो चलते हैं। तो ये देखो बीस्ट और अपनी बीस्ट, 2 390 और 1000 RR। तो चलो चलते हैं आगे, फ्यूल अप करवाते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं धनबाद के लिए। सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल गए हैं, ठीक है, और ऋतिक का बाइक में फ्यूल अप करवाना है, तो चलो भाई चलाने में जो मज़ा आता है ना, अभी रांची का भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है इसका, बहुत मज़ेदार वीडियो है। पाँच सौ का डालिए, सो गाइस फाइनली फ्यूल अप करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ऋतिक लोग भी पीछे से आ रहा है, फिर निकलेंगे। कितना सीसी का? 1000। सो फाइनली गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है, और ये देखो अपनी बीच पे आ चुका हूँ मैं, और पूरा तबाही मचाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पीछे है शुभम, गाइज राइड पे जा ही रहे थे पर पता नहीं क्या हुआ, देखो आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, पता नहीं सर टाइमिंग चेंज हुआ, आवाज़ उठ गया है, क्या आवाज़ उठ गया है। कुछ दिन पहले शुभम का भी ऐसे ही उठा था, ये देखो, बट कोई उपाय नहीं है, चलो चलते हैं। इन लोगों को देखो गाइस, ये लोग पूरा खुश है, अगला बार मेरा हुआ था, इस बार अगला बार शुभम का हुआ था, इस बार मेरा हो गया है, और ऋतिक तो एकदम आराम से चल रहा है भाई, हंस रहा है, क्या ही बोले, अब कहाँ वीली मारेंगे यार, अरे तुम भी। तो गाइस अभी मैंने RM को फ़ोन किया था, बताया भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया गाड़ी में,
मेरे को जहाँ तक लग रहा है टाइमिंग चेंज का ही आवाज़ उठ गया है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि पता कर धनबाद में कहाँ पे KTM का शोरूम है, वहीं पे जाकर के अगर होगा तो आज और कल का टाइम है मेरे पास, बाइक रेडी करवा लेंगे, नहीं तो फिर परसों इवेंट है यार, दिक्कत होगा। देखते हैं क्या होता है, अभी तो आराम आराम से जा रहे हैं भाई, इसको आराम से बोलते हैं 100 के स्पीड में जाना। इंजन में साउंड उठ गया भाई, अजीब सा मेरे को फील आ रहा है, पता नहीं क्यों। और कुछ बड़ा इशू ना आए, मैं तो बस यही मनाऊंगा कि और भी बड़ा इशू ना आ जाए, बस आराम से चलते हैं, पहुंचते हैं, देखते हैं फिर। सो फाइनली गाइस, तो हम लोग इंटर कर चुके हैं धनबाद वाले रूट पे, और अब यहाँ से ज़्यादा नहीं 25 किलोमीटर है, ठीक है। और फ़ोन देखो यहाँ पे रखा हुआ हूँ मैं मैप देखने के लिए। और गाइस मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया, ब्लॉग बनाने का ही मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा बाइक का टाइमिंग चेंज का साउंड उठ गया है, पता है। यहीं पे 6-7 हज़ार का लोचा लग गया है मेरा, बट कोई बात नहीं, जा करके धनबाद में देखते हैं, अगर ऑप्शन होगा तो करवा लेंगे, वरना पूरा इवेंट का माहवैन हो जाएगा दोस्तों। इवेंट को अच्छा से एंजॉय करना है तो भाई बाइक को तो रेडी करवाना पड़ेगा ना, है ना। सो गाइस फाइनली, और यहाँ से ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से कुछ ही किलोमीटर बचा होगा, ठीक है, देख लो 12 किलोमीटर बचा हुआ है, तो चलो चलते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा देर के बाद 6.1 किलोमीटर बचा हुआ है, ठीक है। और भाई कीचड़ उचड़ में गाड़ी घुसा के हम लोग निकाले हैं, कैसा कैसा रास्ता यार गूगल मैप निकालता है ना, भगवान जाने। चलो कुछ दूर और, ये क्या है, वेलकम बैरमो विधानसभा क्षेत्र, आपका स्वागत है। अच्छा सो फाइनली गाइस, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 2.4 किलोमीटर दिख रहा है, बोरमो 20 किलोमीटर है, तो वेलकम टू बोरमो क्या चीज़ बोला था। अबे यहाँ दुकान कहाँ है, तो गाइस यहाँ तक देखो आर्यन सब आया हुआ था, जेडर आया हुआ था, ठीक है, राजा। और अभी हम लोग देखो जा रहे हैं, देखो ऋतिक बैठ गया, ऋतिक पूरा थक गया था क्योंकि सुबह में गाइस जिम होकर के आया, उसके बाद फिर ये जा रहा है। गाइज अभी हम लोग रुके हुए थे जेडर के घर पे, ठीक है। तो अभी सारा बाइक निकल चुका है, देखो कोल्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ का मॉर्निंग भी काफ़ी सही रहा, रात को हम लोग बहुत मस्ती किए, ठीक है। कल का ब्लॉग तो थोड़ा अलग ही मतलब एंगल में आ गया, तो ख़राब हो गया है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा चाय कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, ठीक है। तो सब कोई है यहाँ पे, तो चलो चलते हैं। और ब्लॉग में अभी सुबह से ही कंटिन्यू कर दिया हूँ, अभी हम लोग रिवेन्यू पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या क्या अरेंजमेंट हुआ है, और ब्लॉग में बने रहना गाइस, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मिली गेम करेंगे, चलो। सो गाइस फाइनली यहाँ पे देख लो, बाइक वॉश करवाने के लिए सब कोई लेकर के आया है, ठीक है। और बाइक वगैरह वॉश होगा, अभी जाते हैं हम लोग थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे रेवेन्यू पॉइंट पे। और अभी सो के ही जस्ट उठेंगे गाइस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बाइक रेडी करवाते हैं, फिर निकलेंगे। और गाइस अपना बाइक का तो अलग ही सीन हो गया, उसका टाइमिंग चेंज में आवाज़ उठ गया, ठीक है। लेकिन क्या करोगे, चलो भाई लोग का बाइक है वही चला रहे हैं, जाएंगे आसनसोल तो अपना बाइक का भी काम हम लोग करवा लेंगे जल्दी, ठीक है। तो चलो चलो चलो। सो फाइनली गाइस, तो हम लोग देखो गियर अप कर लिए हैं, ठीक है। और अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो हम लोग रुके हुए थे जेडर के घर पे, ठीक है। ये देखो एफएसआर पे, ठीक है। तो चलो का तो आज ये क्या हो गया जैकेट का, अरे ये जो एक्सीडेंट हुआ था ना, अच्छा वो सब करवा लिए, अच्छा करवा दिए हैं, देखने का आधा पंख है। तो गाइस देखो मैं ही ट्रैक और ये रहे रवि भैया, बताए पूरे बंगाल का सबसे बेस्ट वीली बॉय है, बाप रे बाप। गाइस वीली किंग है तो बात बोल रहे थे, तो आंटी के पास रुके थे, बहुत अच्छा से आंटी हम लोग का ख्याल रखे, ठीक है। और एकदम एकदम आंटी, ये देखो नहीं, और
इधर देखो सबका बाइक लगा हुआ है ठीक है, तो अपनी भी बीस्ट को पॉलिश कर दी है, बट इसका इंजन में साउंड उठ गया, कोई बात नहीं, चाबी निकाल लेते हैं। और सब भाई लोग हैं बाहर में, सब अपना अपना बाइक निकाल लिया है। चलो तब मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। ऋतिक हैप्पी पूरा कोई नहीं जानता। सो फाइनली गाइस, तो देख सकते हो सब कोई गियर अप कर लिया और अब हम लोग निकलेंगे ठीक है। तो चलो चलते हैं, निकालते हैं बाइक अपना अपना। तो गाइस चलो हम लोग निकल रहे हैं ठीक है, चलो। चलो चलते हैं। ये देखो आज तो मजा आने वाला है। तो एंगल मस्त है, हम चेक किए एंगल मस्त है। फाइनली तो हम लोग निकल चुके हैं ठीक है, इवेंट रेवेन्यू पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ हम लोग का स्टे करना है। तो आज है 31 तारीख, तो आज हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, और बहुत कोई भाई लोग आ रहे हैं, तो सब कोई आ जाएंगे तो फिर काफ़ी मज़ा आएगा ठीक है। चलो भाई साहब, ये वही डेट होना है जो हम और FSR भी आ गए थे कोलकाता लाने के लिए ठीक है। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं व्हीली के साथ, गाड़ी तो भाई कंडीशन ख़राब है, लेकिन तब भी कोशिश तो करेंगे। किधर भाई, यहाँ से रास्ता चेंज है, चलो देखते हुए चलेंगे। सो गाइस तो चलो चलते हैं। गाइस यहाँ का जो पब्लिक है ना, काफी ये सब चीज में इंटरेस्टेड हो जाती है। वाह आएगा मजा, हस्की का वेट कर रहे थे, हस्की भी मिल गया है ठीक है। तो चलो चलते हैं, आराम आराम से ही चलेंगे। गाइस बाइक रुक गया है ठीक है, बंद हो गया है, क्योंकि इसका क्या इंजन में एक सामान होता है जो कि कट गया, इसके कारण फ्यूल पास नहीं हो रहा है, तो बाइक का वैसे ही रह गया, इवेंट भी ज्वाइन नहीं कर पाया मैं। अब ये तो वेस्ट बंगाल में ही बनेगा, इसको हम लोग देख रहे हो FSR भी ले जा रहे हैं, क्या बोलूँ गाइस, ऐसा समय पे धोखा मिला है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है यार, लेकिन क्या कर सकते हो, अचानक से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा मुझे मालूम नहीं था, क्या ही बोला जाए। चलो
पूरा मूड ऑफ हो गया यार, पूरा इवेंट का मूड किरकिरा हो गया, अब क्या ही बोला जाए। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्टे पॉइंट पे, ठीक है। ओ भाई कुछ हुआ नहीं ना, तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। और गाइस मेरा बाइक का तो सीन हो गया है, कुछ कट गया है यार, जिसके कारण बाइक स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बाइक को यहाँ से टॉर्शन करके होगा तो लेकर के जाएंगे, पूरा मूड टीता हो गया भाई, क्या बोले। तो गाइस फाइनली ये देखो सारा बाइक यहाँ पे पार्किंग में है, ठीक है। और चलो अंदर चलते हैं, मूड खराब हो गया यार, प्रतीता हो गया। ये देखो टेनाड़ का भाई साहब, चलो ए देखो भाई कैसा है, ठीक है। तो चलो बढ़िया, तो गाइस चलो चलते हैं। मूड तो पूरा तीता हो गया भाई, पूरा खराब हो गया मूड। अब यहाँ से बाइक को टोजन करके लेके जाना होगा, क्या बोले। तो गाइस पता नहीं, चलो। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्स लाइन में, ठीक है। तो अभी व्हीली गेम चलेगा, अभी FSR पे मारेगा व्हीली राजा, अभी डिटोना पे लगेगा लंबा लंबा। तो चलो ब्लॉग में बने रहना, चलते हैं हम लोग नीचे जल्दी।